नेक्स्ट टॉपिक है आपका रेटिंग ऑफ दी सर्किट ब्रेकर, कि एक जो सर्किट ब्रेकर होता है उसकी रेटिंग किस तरीके से डिसाइड की जाती है। देखो यार, एक आपके पास में रिले है और एक आपके पास में क्या है, सर्किट ब्रेकर है। अब दोनों को फॉर्मेशन करने का काम तो आपका ही है, बनाओगे तो आप ही भाई, डिवाइस को आपने ही बनाना है, सही बात है नहीं है। तो जब हम एक सर्किट ब्रेकर को बनाते हैं, जब एक सर्किट ब्रेकर को हम फॉर्म करते हैं, तो उसको बनाते समय किन किन चीजों का ध्यान रखा जाता है, या एक सर्किट ब्रेकर की जो रेटिंग होती है। देखो, रेटिंग के बारे में मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि द मैक्सिमम वैल्यू, ये जो रेटिंग है, इस रेटिंग का क्या मतलब है कि वो वाली मैक्सिमम वैल्यू जहां तक आपका कोई भी डिवाइस जो होती है वो एक सेफली तरीके से या सेफ तरीके से क्या कर सके, ऑपरेट कर सके। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आपको समझ में आना चाहिए कि रेटिंग क्या है, कि मैक्सिमम वैल्यू। भाई जैसे मैंने बोला एक ट्रांसफॉर्मर है, भाई मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि एक ट्रांसफॉर्मर है और इस ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग सपोज दैट 200 MVA है। इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है बोलने का, तो इसका मतलब यह है कि ये जो मेरा ट्रांसफार्मर है ना, ये आपके 200 MVA तक की पावर को क्या कर सकता है, सहन कर सकता है। इतनी पावर तक ये क्या कर सकता है, सेफली ऑपरेट कर सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कैसे ऑपरेट कर सकता है, सेफली ऑपरेट कर सकता है। क्लियर है नहीं है? अगर इससे ज्यादा पावर पे आपने इसको यूज किया तो ये डैमेज हो जाएगा, ये सहन नहीं कर पाएगा। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि रेटिंग जो होती है वो मैक्सिमम वैल्यू होती है जहां तक आपकी डिवाइस सेफली क्या कर सकती है, ऑपरेट कर सकती है। अब देखो बेटा, हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ चुके थे कि सर्किट ब्रेकर जो होता है वो फॉल्ट करंट को, जो आपके सिस्टम में डिस्टरबेंस होता है उसको, उन दोनों को क्या करता है, मैनेज करने की कोशिश करता है, उन पे क्या करता है, ऑपरेट करने की कोशिश करता है। बिल्कुल सही बात है। तो इसमें ऑपरेशन के लिए एक सर्किट ब्रेकर मेरा डैमेज ना हो और वो क्या कर सके, उस फॉल्ट को या उस सिस्टम से आपके सिस्टम को क्या कर सके, प्रोटेक्ट कर सके, तो उसको बनाने के लिए उसकी क्या डिसाइड की जाएगी, रेटिंग डिसाइड की जाएगी। तो रेटिंग बनाने के लिए कौन कौन से फैक्टर उसके ऊपर अफेक्टेड होंगे, तो उन सब के बारे में हम यहां पे बात करने वाले हैं। क्लियर है? तो इस तरीके से आपका सिस्टम होता है। देखो इसको ना थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए एक बार और देखते हुए चलिए, तो आपको पता चलेगा कि बोलना क्या चाह रहा है। देख बेटा क्या होता है, सर इसके बारे में ना मैंने आपको कल थोड़ा सा बताया था, ध्यान से समझना और अच्छे से देखना। देखिए सर क्या होता है, सपोज दैट ये एक मेरा जनरेटर है। अब जनरेटर से जो ट्रांसमिशन लाइन है ये इस तरीके से जा रही है। ट्रांसमिशन लाइन कैसी होती है, थ्री फेज की होती है। कैसी होती है बेटा, थ्री फेज की होती है। ठीक है सर, थ्री फेज में तुम्हारे पास तीन फेज होते हैं, आर होता है, वाई होता है और कौन सा होता है, बी होता है। तीन फेज है आपके पास में। ये तीनों फेज की पता है खास बात क्या होती है, खास बात ये होती है कि ये तीनों फेज बैलेंस कंडीशन में होते हैं। कौन सी कंडीशन में, बैलेंस कंडीशन में। आप बोलोगे सर ये बैलेंस क्या होता है, तो समझ बेटा कि अगर तू आर वाई बी को फॉर्म करेगा तो अगर तेरा आर फेज यहां होता है तो वाई फेज इससे 120 डिग्री से लैग करता है और बी फेज जो होता है वो इससे भी 120 डिग्री से क्या करता है, लैग करता है। और तीनों के जो मैग्नीट्यूड होते हैं वो कैसे होते हैं, सेम 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 होते हैं। तीनों के मैग्नीट्यूड कैसे होते हैं, सेम होते हैं। अब समझ बात को, सर ये 120 फेज डिफरेंस ही क्यों है, सर ये सिस्टम जो है वो मेरा बैलेंस ही क्यों है, सर बैलेंस का क्या मतलब होता है, सर अनबैलेंस का क्या मतलब होता है। तो इस चीज को थोड़ा ध्यान से समझ। देख मैंने बोला सपोज दैट ये एक मेरे पास पिंड रखा हुआ है, कोई भी वस्तु है, कोई भी हो सकता है, एक बुक रखी हुई है मेरे पास, एक पत्थर का गोला रखा हुआ है, कुछ भी रखा हुआ है, समझना ध्यान से। मैंने बोला कि मैंने इसके ऊपर क्या लगा दिया, एक फोर्स लगा दिया F, एक फोर्स लगाया। फोर्स क्या करेगा, सर फोर्स जो करता है, फोर्स इक्वल टू होता है M इनटू A, होता है नहीं होता है, बिल्कुल होता है। सर अगर फोर्स लगेगा तो इसका मतलब क्या आएगा, एक्सीलरेशन आएगा। क्या आएगा, एक्सीलरेशन आएगा। सर एक्सीलरेशन का मतलब क्या होता है बेटा, एक्सीलरेशन का मतलब होता है डीवी बाई डीटी। ये v क्या है, यहां पे वेलोसिटी है, v क्या है यहां पे वेलोसिटी है। मतलब अगर एक्सीलरेशन आएगा तो तुम्हारे सिस्टम में क्या आएगी, वेलोसिटी आएगी। और वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी में होने वाले चेंज को ही क्या बोलते हैं, एक्सीलरेशन बोलते हैं। मतलब पहले जब इस पिंड के ऊपर कोई फोर्स नहीं होगा तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, जीरो होगी। जैसे जैसे फोर्स लगता जाएगा वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। अब सोच अगर कंटिन्यूसली तरीके से फोर्स लगता ही रहा तो वेलोसिटी बढ़ती ही जाएगी, बढ़ती ही जाएगी, बढ़ती ही जाएगी। एक टाइम ऐसा आएगा कि इसकी वेलोसिटी जो है ना
वो भाई तुम्हारे प्लाइन वेग से भी ज्यादा हो जाएगी। अगर उससे ज्यादा हो गई तो ये क्या धरती पे एग्जिस्ट करेगा क्या? नहीं करेगा। अरे कहां पलायन कर जाएगा? अंतरिक्ष में पहुंच जाएगा। कहां पहुंच जाएगा? अंतरिक्ष में पहुंच जाएगा। क्या धरती पे रुक पाएगा क्या? नहीं रुक पाएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर कोई भी वस्तु अगर प्रैक्टिकल लाइफ में एग्जिस्ट करती है, अगर उसका प्रैक्टिकल लाइफ में पाया जाना है, तो उसके मतलब उसका बैलेंस्ड कंडीशन में होना बहुत जरूरी है। सही बात है, नहीं है? जैसे मैंने इस मार्कर को अगर मैं इसके ऊपर रखूं और ये इसके ऊपर छोड़ने के बाद भी अगर ये टिका हुआ रहे, तो वो सिर्फ तब रह सकता है जब ये बैलेंस कंडीशन में हो। अगर बैलेंस में नहीं है, इक्वल इक्वल वजन दोनों तरफ नहीं है, तो ये नीचे गिर जाएगा। बताओ गिरेगा कि नहीं गिरेगा? बिल्कुल सही है। तो प्रैक्टिकल लाइफ में कोई भी चीज एग्जिस्ट करे, उसके लिए उसका बैलेंस में होना बहुत जरूरी है। अब बैलेंस में कब हो सकता है? सोचो, अगर कंटिन्यूसली तरीके से फोर्स लगता रहा तो क्या सिस्टम बैलेंस कंडीशन में रह पाएगा क्या? नहीं रह पाएगा सर। बिल्कुल करेक्ट है बेटा, नहीं रह पाएगा। उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? एक टाइम पे जाके उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? इंफिनिटी हो जाएगी। और वो यहां से क्या कर जाएगा? पलायन कर जाएगा। बिल्कुल करेक्ट बात है। तो क्या होना चाहिए सर? उसके ऊपर लगने वाला फोर्स जो होना चाहिए ना, जो रिजल्टेंट फोर्स जो होना चाहिए ना, अगर वो रिजल्टेंट फोर्स तुम्हारा कितना है? जीरो है। अगर किसी भी डिवाइस के ऊपर लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स अगर जीरो है, इसका मतलब वो बैलेंस कंडीशन में है, इसका मतलब वो स्टेबल कंडीशन में है। अगर मैंने इस मार्कर को इधर रखा तो सोचिए, इसका इधर की तरफ वजन और इसकी तरफ वजन अगर दोनों बराबर है, तो ये इस तरीके से इसके ऊपर टिका हुआ रह जाएगा। लेकिन अगर एक भी तरफ ज्यादा है तो ये गिर जाएगा। रहेगा कि नहीं रहेगा? तो अगर दोनों तरफ बराबर वजन रहा, तो मतलब रिजल्टेंट इसके ऊपर फोर्स कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। और क्या ये इसे झूलता हुआ नहीं रहेगा क्या? बिल्कुल रहेगा। सही बात है, नहीं है? इसी तरीके से सोचना। देखो, ये प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत अच्छे से एग्जिस्ट करती है। और मैंने क्या बोला कि पावर सिस्टम पूरा प्रैक्टिकल लाइफ का खेल है। तुम हर एक चीज को प्रैक्टिकल से रिलेट करोगे, सारी चीजें तुम्हें बहुत इजीली तरीके से समझ में आएगी। देखो, तीन फेज होते हैं हमारे पास। कितने फेज होते हैं? तीन फेज होते हैं। कौन कौन से होते हैं? आर होता है, वाई होता है, बी होता है। होता है कि नहीं होता है प्रैक्टिकल लाइफ में? बिल्कुल होता है सर। इन तीनों का मैग्नीट्यूड कैसा होता है? सेम होता है। मतलब सपोज दैट अगर तीन फोर्स लग रहे हैं, तो एक फोर्स लग रहा है इधर, दूसरा फोर्स लग रहा है इधर, और तीसरा फोर्स लग रहा है इधर। तीनों के मैग्नीट्यूड कैसे हैं? सेम है। अगर मैं इस पॉइंट पे क्या देखू? नेट फोर्स देखू। कितना फोर्स देखू? नेट फोर्स देखू। तो क्या उसकी वैल्यू जीरो आएगी कि नहीं आएगी? बताओ। एक इधर लग गया, एक इधर लग गया, एक इधर लग गया। अगर तीनों 120 डिग्री का कोण बना रहे हैं, तो नेट फोर्स कितना आएगा? जीरो आएगा। अगर ये पिंड है, मैंने बोला मेरे पास फोर्स दो नहीं है, मेरे पास फोर्स तीन नहीं है, कितने हैं? दो है। अगर मान लो ये पिंड रखा हुआ है, तुम्हें चाहना है कि ये स्टेबल कंडीशन में रहे, फोर्स कितने हैं इसके पास में? दो फोर्स है। आप क्या चाहते हो? नेट फोर्स कैसा रहे? जीरो रहे। तो मतलब वो कैसे लगने चाहिए? अरे सर, अगर एक फोर्स इधर लग रहा है, तो दूसरा फोर्स इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में लगना चाहिए। बताओ, लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? नेट फोर्स कितना आ रहा है? जीरो आ रहा है। अगर फोर्स तीन हुए तो एंगल कितना होगा? 120। दो हुए तो कितना होगा? 180। और अगर चार हो गए तो सर, अगर ये पिंड रखा हुआ है, तो अगर एक फोर्स लगेगा इधर, तो दूसरा फोर्स लगेगा इधर, तीसरा फोर्स लगेगा इधर, और चौथा फोर्स लगेगा इधर, इक्वल इक्वल मैग्नीट्यूड के। नेट फोर्स कितना हो गया? जीरो हो गया। मतलब क्या आपको ये समझ में आ रहा है कि एक बैलेंस्ड कंडीशन के लिए अगर आपके इक्वल इक्वल मैग्नीट्यूड के अगर फोर्स अप्लाई हो रहे हैं, तो नेट फोर्स जीरो करने के लिए अगर फोर्स दो है, तो दोनों के बीच में एंगल 180 होना चाहिए। अगर तीन है, तो एंगल 120 डिग्री होना चाहिए। अगर चार है, तो एंगल कितना होना चाहिए? 90 होना चाहिए। या आप यह बोल सकते हो कि इनके बीच में एंगल कितना होना चाहिए? तो सर, यह होना चाहिए 360 डिवाइड बाई एन। एन का मतलब हो गया नंबर ऑफ फेज। क्लियर है? अगर दो है तो 180, तीन है तो 120, चार है तो 90 डिग्री। सही बात है कि नहीं है? बिल्कुल क्लियर है। अब ये हो गया आपका एडिशनल। आपको समझ में आ गया होगा कि प्रैक्टिकल लाइफ में हम फेजेस के बीच में 120 डिग्री का एंगल क्यों लेते हैं। पता लग गया आपको? इस वजह से लेते हैं ताकि हमारा सिस्टम कैसा बना रहे? बैलेंस कंडीशन में बना रहे। कैसा बना रहे? बैलेंस कंडीशन में बना रहे। आपका एक टॉपिक आएगा, दैट इज कॉल्ड स्टेबिलिटी।
आपका एक टॉपिक आएगा जो आप मशीन में भी आता है, पावर सिस्टम में भी आता है, बहुत मेजर टॉपिक होता है। स्टेबिलिटी एक टॉपिक आएगा, वो स्टेबिलिटी टॉपिक पूरा इसी के ऊपर चलेगा कि आपके सिस्टम को स्टेबल किस तरीके से बनाया जाए, बैलेंस किस तरीके से बनाया जाए। क्लियर है? नहीं है तो इसके ऊपर ही वो आपका पूरा का पूरा टॉपिक होता है। तो वहां पर हम इसके बारे में और भी ज्यादा डिटेल से बात करेंगे, बहुत अच्छे से बात करेंगे। अब समझना जरा ध्यान से, देखिए क्या हुआ कि सर अगर मैं बात करूं यहां पे, तो मुझे ये पता लग गया कि ये है मेरा जनरेटर और इस जनरेटर से मेरे कितने फेज निकल रहे हैं, 3 फेज निकल रहे हैं। बिल्कुल सही है बेटा, सही है। जब तक तेरे सिस्टम में कोई फॉल्ट नहीं है ना, ये तीनों के तीनों फेज आगे जाके, तीनों के तीनों फेज आगे जाके इस तरीके से किससे कनेक्टेड होंगे, लोड से कनेक्टेड होंगे। लोड भी आपका 3 फेज ही है। क्लियर है? सब में बराबर बराबर करंट जाती रहेगी, आर वाई बी वाली, सब में इक्वल फेज चल रहा है, सब में बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है। हुआ क्या, मैंने कहा सर फॉल्ट आ गया। जब तक फॉल्ट नहीं आया, करंट कैसी है, इनमें फ्लो होने वाली जो करंट्स है वो करंट कैसी है, बैलेंस है। कैसी है करंट, बैलेंस्ड करंट है। बिल्कुल सही बात है, बैलेंस है। लेकिन जैसे ही सिस्टम में फॉल्ट आ गया, फॉल्ट आ गया मतलब सपोज दैट यहां से एक ट्रांसमिशन लाइन टूट के कहां गिर गई है, जमीन पे गिर गई है। अगर ये ट्रांसमिशन लाइन टूट के जमीन पे गिर गई है तो ये दोनों तो कनेक्टेड है लोड से, लेकिन ये वाली ट्रांसमिशन लाइन लोड से कनेक्टेड नहीं है। तो क्या अब तीनों फेजों में करंट एक जैसी रहेगी क्या, नहीं रहेगी। क्या तीनों फेजों के बीच में एंगल 120 डिग्री होगा क्या, नहीं होगा। क्या आपका सिस्टम बैलेंस होगा क्या, नहीं होगा। तो क्या मेरी करंट जो फ्लो होगी, वो करंट जो होगी क्या वो मेरी अनबैलेंस्ड हो जाएगी या नहीं हो जाएगी, बिल्कुल अनबैलेंस हो जाएगी सर। बिल्कुल मेरी करंट कैसी हो जाएगी, अनबैलेंस हो जाएगी। बेटा जब तेरा सिस्टम बैलेंस था तो प्रैक्टिकल लाइफ में तेरा सिस्टम कैसा होता है, एसी सिस्टम होता है। कौन सा होता है, एसी होता है। एसी में करंट और वोल्टेज की वेवफॉर्म कैसी होती है सर, कुछ इस तरीके से होती है, एग्जैक्टली इस तरीके से होती है। बता होती है कि नहीं होती है, बिल्कुल ऐसी होती है। जितना मैग्नीट्यूड इस तरीके से ऊपर होता है उतना का उतना ही इक्वल मैग्नीट्यूड इस तरीके से नीचे होता है, ऐसा ही होता है ना। कौन सी कंडीशन है ये कंडीशन है जब आपका सिस्टम कैसा है, बैलेंस है। कैसा है आपका सिस्टम, बैलेंस है। लेकिन जब फॉल्ट आया तो क्या सिस्टम बैलेंस रहा क्या, नहीं रहा। तो क्या वेवफॉर्म एसी रहने वाली है क्या, नहीं रहने वाली है। क्या पॉजिटिव और नेगेटिव मैग्नीट्यूड ऊपर नीचे बराबर रहने वाला है क्या, नहीं रहने वाला है। इसका मतलब फॉल्ट सिस्टम में आया तो सिस्टम की करंट कैसी हो जाएगी, अनबैलेंस हो जाएगी। और वो अनबैलेंस करंट जो होगी वो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगी, वो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगी। क्लियर है? यहां बीच में ये बना लीजिए, ये आपकी एक्सिस वाली लाइन है, देख लो अच्छी तरीके से, ये इस तरीके से देखिए। क्लियर है? नहीं है तो आपको क्या दिख रहा है, यहां पे देखो ये मैग्नीट्यूड ऊपर पहुंच गया, नीचे की तरफ मैग्नीट्यूड कम है, ऊपर की तरफ मैग्नीट्यूड ज्यादा है। इसका मतलब ये सिस्टम आपको कैसा दिख रहा है, अनबैलेंस दिख रहा है। मतलब यहां पे जो करंट है वो करंट आपकी कैसी है, अनबैलेंस है। क्लियर है? नहीं है। किसकी वजह से है ये अनबैलेंस करंट, ये है सर फॉल्ट आने की वजह से। क्योंकि भाई सर्किट ब्रेकर तो तभी काम करेगा ना जब सिस्टम में क्या आ जाएगा, फॉल्ट आ जाएगा। क्या आएगा बेटा, फॉल्ट आएगा। तो फॉल्ट के ऊपर ही तो सर्किट ब्रेकर काम करेगा। बिल्कुल सही बात है। अब देख क्या हुआ, अब ना इन चीजों को थोड़ा ध्यान से समझना। देख मैंने इनको क्या कर रखा है, इस अनबैलेंस करंट को मैंने 3 पोर्शन में बांट रखा है। कौन कौन से पोर्शन में बांट रखा है सर, पहला पोर्शन तो मैंने इसको यहां से यहां तक बांटा है, देख अच्छी तरीके से, इस तरीके से। इसको बोला है मैंने सब ट्रांजिएंट पीरियड, फिर यहां से यहां तक इस पोर्शन को मैंने क्या बोला है, ट्रांजिएंट पीरियड, और इसके बाद वाले को मैंने क्या बोला है, स्टेडी स्टेट पीरियड। सर इनका मतलब क्या है, ये सब ट्रांजिएंट का मतलब क्या है, ये ट्रांजिएंट का मतलब क्या है, ये स्टेडी स्टेट का मतलब क्या है, तो इन सब का मतलब क्या है। तो इन सब के मतलब को हम ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। देखिए एक बार क्या हुआ भाई, मेरा एक सिस्टम था, बिल्कुल सही बात है, मेरा एक सिस्टम था, बैलेंस कंडीशन में था, अच्छे से चल रहा था। पर क्या हुआ, मेरे सिस्टम पे क्या आ गया, फॉल्ट आ गया। सपोज दैट मेरे सिस्टम पे क्या आ गया, फॉल्ट आ गया। अब फॉल्ट आ गया तो क्या होगा, समझिए इन सब चीजों को। सर मेरे सिस्टम पे ना फॉल्ट आया, फॉल्ट आते ही क्या होगा, अचानक से मेरी करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी। देख पहले करंट की वैल्यू इतनी थी, अचानक से करंट की वैल्यू इतनी पहुंच गई है। तो आपके सिस्टम में क्या आ गया, फॉल्ट आने की वजह से अचानक से करंट की वैल्यू क्या हो गई है, बढ़ जाएगी। तुरंत करंट की वैल्यू बढ़ गई। अब जैसे ही वो करंट की वैल्यू बढ़ेगी, कौन सेंस करेगा,
उस करंट को कौन सेंस करेगा, सर्किट ब्रेकर करेगा या रिले करेगा? सर कल की क्लास में हमने पढ़ा था कि करंट का बढ़ना या घटना, ये करंट में कोई भी चीज चेंज होती है तो उसको सेंस करने का जो काम करता है वो काम कौन करता है, रिले करता है। कौन करता है? रिले करता है, क्योंकि सर्किट का ब्रेन कौन है, रिले है। रिले ने उसको क्या किया, सेंस किया। क्या किया रिले ने, सेंस किया। सेंस किया तो रिले ने बोला कि ओ इट्स अ डेंजरस, ये आपकी करंट तो डेंजरस है, ये आपके सिस्टम को क्या कर सकती है, बर्न कर सकती है। अरे बेटा अगर बर्न कर सकती है तो वो क्या करेगा, तुरंत एक सिग्नल भेजेगा। सिग्नल किसको भेजेगा, सर्किट ब्रेकर को भेजेगा। कल मैं हम पूरा डायग्राम पढ़ चुके हैं कि सर्किट ब्रेकर को वो एक सिग्नल भेजेगा, और जैसे ही वो सिग्नल भेजेगा सर्किट ब्रेकर क्या करेगा, ऑपरेट करेगा, और ऑपरेट करके स्विच को क्या कर देगा, ओपन कर देगा। फॉल्टी पार्ट को क्या कर देगा, अलग कर देगा। हेल्थी पार्ट को क्या करेगा, बचा लेगा। करेगा या नहीं करेगा? तो देख, फॉल्ट आया, आने के बाद में रिले ने सेंस किया, सेंस करने के बाद उसने सिग्नल भेजा, सिग्नल भेजा सर्किट ब्रेकर को, फिर सर्किट ब्रेकर ने उसे क्या किया, ओपन किया। तो इन सब में क्या लग चुका है, टाइम लग चुका है। क्या लग चुका है, टाइम लग चुका है। लेकिन जब तक सर्किट ब्रेकर में ये पूरा काम जब चल रहा है, ये पूरा प्रोसेस तब जब चल रहा है, क्या तब तक तो आपके सिस्टम में फॉल्ट करंट फ्लो हो रही है कि नहीं हो रही है? है? अरे फॉल्ट करंट फ्लो हो रही है क्या नहीं हो रही है? फॉल्ट करंट तो ब्रेक तब होगी जब तुम सर्किट ब्रेकर को क्या कर दोगे, ओपन कर दोगे। लेकिन पहले तो रिले सेंस करेगा, फिर सिग्नल भेजेगा, फिर सर्किट ब्रेकर ऑपरेट करेगा, फिर जाके उसको ओपन करेगा। टाइम लगा कि नहीं लगा? बिल्कुल लगा सर। तो उतने टाइम पीरियड तो तुम्हारे सिस्टम में क्या हो रही है, फॉल्ट करंट क्या हो रही है, फ्लो हो रही है। अब ध्यान से समझने की कोशिश करना क्या होता है। सर हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं कि अगर मेरे सिस्टम में ये अगर मेरा क्या है, बस बार है, ये मेरी क्या है, ट्रांसमिशन लाइन है, तो सर मेरा जो सर्किट ब्रेकर होता है ना वो यहां कनेक्टेड होता है इस तरीके से। ऐसे ही था सर्किट ब्रेकर, ये इस तरीके से कनेक्टेड होता है। होता है नहीं होता है? बिल्कुल सही है। और इसमें फ्लो होने वाली करंट जो होती है ना वो वही होती है जो आपकी ट्रांसमिशन लाइन में होती हुई फ्लो हो रही है। जब तक ये सर्किट ब्रेकर यहां से ओपन नहीं होगा, तब तक इसमें होते हुए कौन सी करंट फ्लो होती रहेगी, फॉल्ट करंट फ्लो होती रहेगी। अब बेटा देख, जैसे ही तेरे सिस्टम में फॉल्ट आया, ये सब ट्रांजिएंट पीरियड जो होता है ये बहुत स्मॉल टाइम पीरियड होता है, और इसमें करंट की वैल्यू कैसी होती है, मैक्सिमम होती है। करंट की वैल्यू कैसी होती है, मैक्सिमम होती है। क्या ये वाली करंट, ये सब ट्रांजिएंट करंट क्या इस सर्किट ब्रेकर में होते हुए फ्लो नहीं होगी क्या? बिल्कुल फ्लो होगी। क्यों? क्योंकि सर इतने से टाइम तक तो आपके रिले को सेंस करने में, सिग्नल भेजने में, सर्किट ब्रेकर को ऑपरेट कराने में जो टाइम लगेगा ना, वो टाइम इस सब ट्रांजिएंट से तो ज्यादा ही होगा, क्योंकि सब ट्रांजिएंट पीरियड जो होता है ये बहुत स्मॉल टाइम पीरियड होता है, बहुत छोटा होता है ये। क्लियर है? ये वो इंस्टेंट है जिस इंस्टेंट में तुरंत तुम्हारा फॉल्ट आया और उसी इंस्टेंट में तुम्हारी करंट क्या हो गई, बढ़ गई है, एकदम तरीके से बढ़ गई है। देखो जीरो अगर यहां पे है तो इतनी हो गई है, बिल्कुल क्लियर है? तो एकदम से क्या हो गई है, बढ़ गई है। मतलब समझो सर्किट ब्रेकर के पास में ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो इस करंट को क्या कर सकता है, हैंडल कर सके, क्योंकि ये करंट तो सर्किट ब्रेकर में होते हुए फ्लो होनी है कि नहीं होनी है? सब ट्रांजिएंट करंट तो सर्किट ब्रेकर में होते हुए फ्लो होनी है कि नहीं होनी है? बिल्कुल होनी है। क्या ये करंट मैक्सिमम होती है कि नहीं होती है? बिल्कुल होती है। सर इन तीनों में देख लो, सबसे ज्यादा मैग्नीट्यूड किसका है, सब ट्रांजिएंट करंट का है। तो रेटिंग में क्या आएगा भाई, रेटिंग क्या होती है कि वो मैक्सिमम वैल्यू करंट की जिसको आपका सर्किट ब्रेकर या कोई भी डिवाइस उस पर क्या कर सके, सेफ तरीके से ऑपरेट कर सके। तो क्या सर्किट ब्रेकर के पास में ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो इस सब ट्रांजिएंट करंट को क्या कर सके, हैंडल कर सके। क्या कर सके, हैंडल कर सके। तो इसी करंट को बोलते हैं मेकिंग करंट। क्या बोलते हैं, मेकिंग करंट। क्या बोलते हैं, मेकिंग। मेकिंग का क्या मतलब है, बने रहना, बने रहना। क्लियर है? नहीं है? दुनिया का नारा है डटे रहना। क्लियर है? तो डटे रहना है तुम्हें इस पे, इसको सर्किट ब्रेकर को बने रहना है, चेंज नहीं होना है, तो इसको क्या बोलते हैं, मेकिंग करंट बोलते हैं। अब आगे चलो थोड़ा सा, क्या हुआ सर, रिले ने सेंस कर दिया, सिग्नल भेज दिया, सर्किट ब्रेकर ऑपरेट हो गया, इन सब में क्या हो गया, टाइम लग गया। सपोज डेट यहां से लेके, सपोज डेट आपका टाइम लगा वो यहां से लेके, सपोज डेट इतना टाइम आपके पूरे के पूरे ऑपरेट करने में लग गया। अब स्विच क्या हो गया है, ओपन हो गया है। तो जब स्विच ओपन हो रहा है, जब सर्किट ब्रेकर ऑपरेट कर रहा है,
तो वो कौन सा टाइम होगा जिसमें तुम्हारा सर्किट ब्रेकर ऑपरेट कर रहा होगा? तो वो टाइम होगा आपका कौन सा? ट्रांजिएंट पीरियड। कौन सा पीरियड होता है? ट्रांजिएंट पीरियड। क्लियर है या नहीं है? और ये स्टेडी स्टेट पीरियड जो होता है, क्या ये तो आपको बैलेंस दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? देखो, जितना मैग्नीट्यूड ऊपर है उतना ही मैग्नीट्यूड नीचे है। मतलब जो प्रीवियस विदाउट फॉल्ट वाली जो कंडीशन थी ना, उस वाली कंडीशन में वापस पहुंचने के लिए आपका जो सिस्टम होता है वो आपका स्टेट कौन सा होता है? स्टडी स्टेट होता है। तो ध्यान से रखना दो चीजें, ध्यान से समझना दो चीजें। क्लियर है? जहां पे सर्किट ब्रेकर ऑपरेट करता है या जिस टाइम पीरियड में सर्किट ब्रेकर ओपन होता है वो टाइम पीरियड कौन सा होता है? ट्रांजिएंट पीरियड। कौन सा पीरियड होता है? ट्रांजिएंट पीरियड। क्लियर है नहीं है? और जिस आपके टाइम पीरियड में सर्किट ब्रेकर क्लोज रहता है या करंट को कंटिन्यूअसली तरीके से फ्लो कराता है वो टाइम पीरियड आपका कौन सा होता है? सब ट्रांजिएंट पीरियड। कौन सा टाइम पीरियड होता है? सब ट्रांजिएंट पीरियड। क्लियर है? तो रेटिंग किसके हिसाब से डिसाइड होगी? सब ट्रांजिएंट पीरियड के हिसाब से डिसाइड होगी। किसके हिसाब से डिसाइड होगी? सब ट्रांजिएंट पीरियड के हिसाब से डिसाइड होगी। क्लियर है नहीं है? आगे चलें। अब एक एक पॉइंट को आप देखते हुए चलना, ये सारी चीजें आपके आगे आने वाली है। ओके, अब देखिए बेटा ध्यान से देखो। तो द रेटिंग ऑफ द सर्किट ब्रेकर विल डिपेंड्स ऑन द फोर पैरामीटर। कितने पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड कर रही है? चार पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड कर रही है। देखो कौन कौन से। पहला, इट्स रेटेड शॉर्ट सर्किट मेकिंग करंट। कौन सी करंट? मेकिंग करंट, जिसके बारे में मैं अभी अभी आप लोगों को बता रहा था। कौन सी करंट आती है? मेकिंग करंट। और ये मेकिंग करंट कौन से पीरियड में होगी? सब ट्रांजिएंट पीरियड में होगी। कौन से पीरियड में होगी? तो ये आपकी होगी सब ट्रांजिएंट पीरियड में होगी। बिल्कुल क्लियर है? आगे देखो, द रेटेड शॉर्ट सर्किट ब्रेकिंग करंट। कौन सी करंट आ गई है? ब्रेकिंग। देखो ये कौन सी करंट है? ब्रेकिंग करंट है। सर ब्रेक कहां पे होता है? सर्किट ब्रेकर ब्रेक कहां पे करेगा? सर ये करेगा ट्रांजिएंट पीरियड में। कौन से पीरियड में करेगा? ट्रांजिएंट पीरियड में ब्रेक करेगा बेटा, ट्रांजिएंट पीरियड में ब्रेक करेगा, क्योंकि इतना तो उसको टाइम लग जाएगा। बिल्कुल। रेटेड ऑपरेटिंग सीक्वेंस ऑफ द सर्किट ब्रेकर, कि सर्किट ब्रेकर का ऑपरेट करने का जो सीक्वेंस होता है वो सीक्वेंस किस तरीके से होता है, तो वो भी आपको आगे पता लग जाएगा। एंड इट्स रेटेड शॉर्ट सर्किट टाइम करंट, ये भी आपको आगे आ जाएगा आपका। क्लियर है नहीं है? तो इन दोनों को भी हम पढ़ने वाले हैं अभी नेक्स्ट स्लाइड में। ओके, तो ये इन चार पैरामीटर्स के ऊपर आपका सर्किट ब्रेकर जो होता है उसकी रेटिंग जो होती है वो आपकी डिसाइड की जाती है। क्लियर है नहीं है? ये ध्यान रखना कि जब आपके सिस्टम में फॉल्ट आ जाता है तो आपकी जो करंट होती है वो इस तरीके से कैसी हो जाती है? अनबैलेंस हो जाती है। कैसी हो जाती है? अनबैलेंस हो जाती है। क्लियर है नहीं है? तो पहली आ गई आपकी रेटेड शॉर्ट सर्किट मेकिंग करंट। भाई ये मेकिंग करंट क्या बोल रही है, तो इसको भी जरा हम समझ लेते हैं। क्या बोल रहा है ये? तो ये बोल रहा है देखो कि एट द इंस्टेंट ऑफ टाइम, मेकिंग करंट मैं आपको समझा चुका हूं, बिल्कुल समझा चुका हूं, कौन से टाइम पे होती है? सब ट्रांजिएंट पीरियड में होती है। सब ट्रांजिएंट पीरियड कौन सा पीरियड होता है? तो वो पीरियड जिस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे आपके सिस्टम में क्या आया हो? फॉल्ट आया हो, वो छोटा सा पीरियड क्या होता है? सब ट्रांजिएंट पीरियड कहलाता है। बिल्कुल क्लियर है? चले आगे देखो ध्यान से कि एट द इंस्टेंट ऑफ टाइम व्हेन फॉल्ट इज अकर, वो इंस्टेंट जिस टाइम पे आपके सिस्टम में क्या आया है? फॉल्ट आया है। देन द करंट विल बी अनबैलेंस। ये इंपॉर्टेंट है। करंट कैसी हो जाती है? अनबैलेंस हो जाती है। बताया था मैंने आपको कि अनबैलेंस कैसे होती है। करंट विल बी अनबैलेंस एंड फॉल्ट करंट इज अप्रोक्सीमेटली कितनी होती है? 2 to 3 times। बिल्कुल सही है सर। अभी अभी हम बात कर रहे थे कि सब ट्रांजिएंट करंट का जो मैग्नीट्यूड होता है वो स्टेडी स्टेट करंट से काफी ज्यादा क्या होता है? हाई होता है। आपको दिख रहा था डायग्राम में अच्छे से, दिख रहा था या नहीं दिख रहा था? तो वही आपका जो होता है वो 2 to 3 times ऑफ कौन सी? बैलेंस करंट। बैलेंस करंट को ही आप क्या बोल सकते हो? बैलेंस करंट को ही बेटा आप बोल सकते हो स्टेडी स्टेट करंट। क्या कौन सी करंट? स्टेडी स्टेट करंट। क्लियर है नहीं है? तो बैलेंस करंट या स्टेडी स्टेट करंट से आपका सब ट्रांजिएंट करंट का मैग्नीट्यूड काफी ज्यादा क्या होता है? हाई होता है। होता है कि नहीं होता है? क्लियर है या नहीं है? आगे देखो कि दिस इज द, देखो आगे आपका वर्ड कौन सी करंट है? दिस इज द सब ट्रांजिएंट कंडीशन। कौन सी कंडीशन है? सब ट्रांजिएंट कंडीशन ऑफ द फॉल्ट एट दिस टाइम सर्किट ब्रेकर इज क्लोज और इन कंडक्शन। क्लियर है या नहीं है? बिल्कुल, यही हम लोगों ने बोला था कि सर जिस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे फॉल्ट आता है ना उसको हम बोलते हैं सब ट्रांजिएंट,
और क्या उस टाइम पे आपका सर्किट ब्रेकर क्या करता है? सर उस टाइम पे वो क्या करता है? कंडक्शन करता है। क्या करता है? कंडक्शन करता है, क्योंकि उसको पूरे सिस्टम को ऑपरेट करने में क्या लग जाता है? टाइम लग जाता है, है? और वो तो इंस्टेंट ऑफ टाइम है। क्लियर है? ओके, बिल्कुल। आगे चलो कि द सर्किट ब्रेकर हैव टू कैपेबिलिटी टू हैंडल दिस अमाउंट ऑफ करंट। देख लो, क्लियर है नहीं है? मतलब सर्किट ब्रेकर के पास में ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो उस सब ट्रांजिएंट पीरियड का करंट को क्या कर सके? हैंडल कर सके। क्या कर सके? उसे हैंडल कर सके। तो क्या रेटिंग में काम आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा, क्योंकि ये उसकी क्या हो गई है? एक तरीके से प्रॉपर्टी हो गई है। क्लियर है? आगे देखिए, एंड इट्स योर ब्रेकिंग करंट। देखो ब्रेकिंग करंट भी मैं अभी अभी आप लोगों को बता ही चुका हूं, दोनों के बारे में हम बात कर चुके हैं, मेकिंग और ब्रेकिंग करंट के। क्लियर है? देखिए, व्हेन द फॉल्ट इज अकर देन द रिले सेंस द डिस्टरबेंस। रिले क्या करेगा? डिस्टरबेंस को सेंस करेगा एंड प्रोवाइड ए सिग्नल टू द सर्किट ब्रेकर एंड इट्स ब्रेक द कनेक्शन दैट टाइम टेक सम टाइम। क्या करेगा भाई? अरे सर सिस्टम में फॉल्ट आएगा, फॉल्ट आते ही रिले उसको क्या करेगा? सेंस करेगा, फिर क्या करेगा? एक सिग्नल भेजेगा। किसको भेजेगा? सर्किट ब्रेकर को भेजेगा। फिर सर्किट ब्रेकर क्या करेगा? ऑपरेट करेगा। तो इन सब में क्या लग जाएगा? टाइम लग जाएगा। क्या लग जाएगा? टाइम लग जाएगा। और जब सर्किट ब्रेकर ऑपरेट करेगा ना, तब तक आपका टाइम कौन सा हो जाएगा? ट्रांजिएंट पीरियड। कौन सा पीरियड हो जाएगा? ट्रांजिएंट पीरियड। तो व्हेन द सर्किट ब्रेकर ऑपरेट देन द रीजन इज, कौन सा है? ट्रांजिएंट पीरियड हो जाएगा। कौन सा पीरियड में रीजन आ जाएगा आपका? ट्रांजिएंट पीरियड में आपका रीजन आ जाएगा। क्लियर है? तो ट्रांजिएंट पीरियड में जो करंट होती है उस करंट को हम क्या बोलते हैं? ब्रेकिंग करंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रेकिंग करंट बोलते हैं। अब देखो, अगर मेकिंग करंट और ब्रेकिंग करंट में अगर मैं रिलेशन पूछूं कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है, तो सर मेकिंग करंट का मतलब सब ट्रांजिएंट, ब्रेकिंग का मतलब ट्रांजिएंट। सब ट्रांजिएंट ट्रांजिएंट से ज्यादा होती है, आपको पता ही है। बिल्कुल सही है। तो मेकिंग करंट विल बी हायर देन द ब्रेकिंग करंट, और अप्रोक्सीमेटली कितनी होती है? ढाई गुना, 2.5 टाइम्स। क्लियर है नहीं है? मेकिंग करंट ब्रेकिंग करंट की 2.5 टाइम्स होती है। देखो, इट्स हैविंग द हायर करंट, दिख रहा है आपको? इट्स हैविंग द हायर करंट कंपेयर टू स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट का मतलब कौन सा है? बैलेंस करंट। क्लियर है नहीं है? तो स्टेडी स्टेट करंट से तो ये ज्यादा होगी, बट इट्स लोअर देन द ओवर सब ट्रांजिएंट करंट। सब ट्रांजिएंट करंट या ओवर मेकिंग करंट। क्लियर है? तो मेकिंग करंट या सब ट्रांजिएंट से तो इसका मैग्नीट्यूड कम होगा, लेकिन स्टेडी स्टेट या बैलेंस करंट से इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? ज्यादा होने वाला है। क्लियर है नहीं है? तो ये देख लो, इट्स मेकिंग करंट अप्रोक्सीमेटली कितना होगा? 2.5 टाइम्स ऑफ ब्रेकिंग करंट। क्लियर है? आगे देखिए जरा ध्यान से, एंड इट्स रोटेटिंग सीक्वेंस ऑफ द सर्किट ब्रेकर। देखो पॉइंट नंबर 3 क्या बोल रहा है कि सर ये जो ऑपरेट होता है ना, वो ऑपरेट किस हिसाब से होता है? दैट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। देखो एक चीज को ना आप थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिए। क्लियर है? ध्यान से समझने की कोशिश करना। दो तरह का सिस्टम होता है, ठीक है? आपका आगे फिर से आएगी ये बात, लेकिन मैं अभी आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, आप लोग समझ लीजिए। देखिए क्या होता है, ये आपका है एक रिले, ओके, और एक क्या है आपका? सर्किट ब्रेकर। भाई ये दोनों क्या काम करते हैं? सर ये दोनों का जो काम है, वो दोनों का काम है प्रोटेक्शन का, ठीक है? ये क्या करते हैं दोनों? प्रोटेक्शन करते हैं, ठीक है सर? अब देख बेटा क्या हुआ, सिस्टम में आया फॉल्ट, फॉल्ट आते ही एक रिले ने तुरंत उसको सेंस किया, ओके, और सेंस करते ही तुरंत वो क्या करेगा? एक सिग्नल भेजेगा। किसको? सर्किट ब्रेकर को। अब ये काम जितना जल्दी हो जाए उतना अच्छा है। आप भी यही चाहते हो कि जैसे ही फॉल्ट का पता लगे वो तुरंत सिग्नल भेज दे सर्किट ब्रेकर को, और आप वो सर्किट ब्रेकर आपके सिस्टम को क्या कर दे? ओपन कर दे। तो आप क्या चाहते हो? आप ये चाहते हो कि जो सिस्टम जो ऑपरेट करे, जो प्रोटेक्शन वाली रिले और सर्किट ब्रेकर जो ऑपरेशन करे, वो वर्किंग जो होना चाहिए, वो वर्किंग कैसा होना चाहिए? फास्ट होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? फास्ट होना चाहिए। मतलब फटाफट तरीके से सिग्नल भेजे और फटाफट तरीके से सर्किट ब्रेकर को क्या कर दे? ओपन कर दे। क्या सर ये सही है क्या उसका फास्ट होना? ठीक है, याद करो मैंने क्या बताया था आपको कि एक रिले जो होता है इसके पास में डिस्क्रिमिनेशन की क्वालिटी होनी चाहिए। और डिस्क्रिमिनेशन में भी कौन सी क्वालिटी? दो तरह की क्वालिटी मैंने बताई थी आपको, एक हेल्थी पार्ट की और एक फॉल्टी पार्ट की, कि अगर आपके सिस्टम में फॉल्ट आ जाए और अगर आपके सिस्टम में हेल्थी पार्ट कौन सा है, उन दोनों में ये क्या कर सके? फर्क कर सके। डॉक्टर वाला एग्जांपल दिया था मैंने, याद है आप लोगों को? या दूसरा सिस्टम कि आपके सिस्टम में एक तो क्या आ रहा है? फॉल्ट आ रहा है। इस चीज को थोड़ा ध्यान से समझ लीजिएगा, एक तो आपके सिस्टम में है फॉल्ट, ओके, और एक आपके सिस्टम में नॉर्मल डिस्टरबेंस है। एक आपके सिस्टम में क्या है? एक नॉर्मल डिस्टरबेंस है। देखो इस चीज को मैंने आप लोगों को बताया था, क्या बताया था कि सर फॉल्ट जो होता है ना, ये लंबे टाइम के लिए होता है। लंबे टाइम के लिए मतलब क्या है
कि एक बार अगर आपके सिस्टम में फॉल्ट आ गया तो जब तक आप सर्किट ब्रेकर को ऑपरेट नहीं करवाओगे, जब तक आप उस फॉल्ट को रिमूव नहीं करोगे, जब तक आपके सिस्टम में ये फॉल्ट हमेशा बना रहेगा। रहेगा कि नहीं रहेगा? सर नॉर्मल डिस्टरबेंस जो आता है, ये नॉर्मल डिस्टरबेंस आता है फ्लक्चुएशन की वजह से। किसकी वजह से आता है? सर फ्लक्चुएशन की वजह से आता है। मतलब अगर आपके सिस्टम में कोई भी हल्का फुल्का फ्लक्चुएशन हुआ तो आपके सिस्टम में बहुत स्मॉल टाइम पीरियड के लिए करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी, घट जाएगी, कुछ भी हो सकती है। लेकिन वो कितना होगा? स्मॉल टाइम पीरियड होगा। कैसा होगा? स्मॉल टाइम पीरियड। मतलब ये जो आता है ये किसके लिए आता है? सर स्मॉल टाइम पीरियड के लिए आता है, एक थोड़े से टाइम के लिए ये आता है। जबकि ये लंबे टाइम तक आता है, जब तक आप उसे फॉल्ट को रिमूव नहीं करोगे जब तक वो करंट हमेशा आपकी हाई बनी रहेगी। सही बात है? नहीं है। अब देखो, अगर आपका सिस्टम हुआ फास्ट, कैसा हुआ? फास्ट। आपके सिस्टम में करंट में फ्लक्चुएशन आया, करंट की वैल्यू बढ़ी, रिले ने देखा, तुरंत सिग्नल भेज दिया, सर्किट ब्रेकर ने ऑपरेट कर दिया। मतलब रिले ने यह नहीं सोचा, रिले ने यह नहीं सोचा कि यह जो करंट बढ़ रही है वो करंट फॉल्ट की वजह से बढ़ रही है, या वो करंट आपकी किसकी वजह से बढ़ रही है? नॉर्मल डिस्टरबेंस की वजह से बढ़ रही है। क्लियर है? क्योंकि उसे तो क्या बोला था कि भाई जैसे ही तेरे करंट आए तू फटाफट से क्या कर दे? ऑपरेट कर दे। आपने उसे फास्ट बनाया है। अगर आप उसे बहुत ज्यादा फास्ट बनाओगे, अगर आप उसे बहुत ज्यादा फास्ट बना दोगे तो वो इन दोनों में क्या नहीं कर पाएगा? डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर पाएगा। लेकिन आपको पता है कि ये तो थोड़े से टाइम के लिए आना है, तो इसमें सर्किट ब्रेकर को ओपन नहीं करवाना है नॉर्मल डिस्टरबेंस में, और फॉल्ट के लिए आपके सर्किट ब्रेकर को आपके क्या कराना है? ऑपरेट करवाना है। तो क्या सिस्टम का बहुत ज्यादा फास्ट होना अच्छा है या बुरा है? सर अच्छा है। अच्छा किस लिए है? कि फटाफट फॉल्ट को क्या कर देगा? रिमूव कर देगा। लेकिन बुरा भी है। बुरा क्यों है? क्योंकि वो इन दोनों में क्या नहीं कर पा रहा है? डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर पा रहा है। वो नहीं पहचान पा रहा है कि ये जो फॉल्ट आ रहा है ये फॉल्ट वाले करंट है या नॉर्मल डिस्टरबेंस वाली करंट है। अगर वो थोड़ी देर रुक जाता, तुरंत ऑपरेट नहीं करता, थोड़ी सी देर रुक जाता और रुक के वो देख लेता तो उसे पता लग जाता कि ये करंट फॉल्ट वाली है या नॉर्मल वाली है। क्योंकि नॉर्मल डिस्टरबेंस में क्या होता कि थोड़ी देर में वो करंट खत्म हो जाती। अरे फ्लक्चुएशन तो हल्के से टाइम के लिए आता है, वो खत्म हो जाता तो उसे पता लग जाता, ओके कोई बात नहीं है, तो नॉर्मल डिस्टरबेंस आया था। क्लियर है? लेकिन फॉल्ट का वो थोड़ी देर रुक जाता और फिर भी अगर वो खत्म नहीं हो रहा तो उसे पता लग जाता, ओके ये फॉल्ट है, अब फटाफट काम करो। सही बात है? नहीं है। तो ध्यान से सकना, रिले और सर्किट ब्रेकर जो होते हैं ये जो होते हैं ये फास्ट होते हैं क्या? नहीं। क्या ये स्लो होते हैं क्या? नहीं। तो आप बोलोगे तो सर फिर होते क्या है? तो बेटा ना तो ये बहुत ज्यादा फास्ट होते हैं ना ये बहुत ज्यादा स्लो होते हैं। अगर बहुत ज्यादा फास्ट होंगे तो क्या प्रॉब्लम हो पाएगी? कि वो इन दोनों में डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर पाएंगे। क्लियर है? और अगर बहुत ज्यादा स्लो हो गया, अगर बहुत ज्यादा स्लो हुआ तो लंबे टाइम तक अगर फॉल्ट करंट फ्लो होती रही फिर भी उसने अगर ऑपरेट नहीं किया तो हो सकता है वो आपके ट्रांसफॉर्मर डिवाइस वगैरह को खराब कर दे। कर दे कि नहीं कर दे? अरे प्रोटेक्शन ही नहीं कर पाए तो फिर क्या मतलब है उसका? क्लियर है? तो ना वो बहुत ज्यादा फास्ट होना चाहिए ना वो बहुत ज्यादा स्लो होना चाहिए। तो एक सर्किट ब्रेकर किस तरीके से ऑपरेट करता है टाइम के ऊपर वो आपको इसमें पता लगेगा कि इट्स रेपरेटेड ऑपरेटिंग, उसका सीक्वेंस क्या होना चाहिए, उसके ऑपरेशन का क्या सीक्वेंस क्या होना चाहिए, उस सीक्वेंस को आप समझिए। ना तो वो बहुत ज्यादा फास्ट होना चाहिए ना वो बहुत ज्यादा स्लो होना चाहिए। रीजन आपके क्लियर होना चाहिए माइंड में। ये आगे फिर से आएगा तो मैं वहां नहीं बताऊंगा, यही बता रहा हूं, देख लो एक बार कि फास्ट क्यों नहीं होना चाहिए, ताकि वो इन दोनों में क्या कर सके, डिस्क्रिमिनेशन करना चाहिए। स्लो क्यों नहीं होना चाहिए? स्लो इसलिए नहीं होना चाहिए कि अगर स्लो हुआ और अगर आपकी करंट कैसी है, फॉल्ट करंट है, तो आपके सिस्टम को क्या कर देगी? डैमेज कर देगी। तो ना तो टू फास्ट, मतलब बहुत ज्यादा फास्ट भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा स्लो भी नहीं होना चाहिए। क्लियर है? नहीं है। आप बोलोगे सर क्या फास्ट होना चाहिए? कि हाँ फास्ट हो सकता है। स्लो होना चाहिए क्या? नहीं स्लो नहीं, बहुत ज्यादा फास्ट भी नहीं, बहुत ज्यादा स्लो भी नहीं। क्लियर है? देखो आगे क्या बोल रहा है ये। तो ये बोल रहा है, ये देखिए ऑपरेटिंग सीक्वेंस जरा ध्यान से देखिए। ओके, सबसे पहले ये आपका सर्किट ब्रेकर था। सर्किट ब्रेकर किस तरीके से ऑपरेट कर रहा है इस डायग्राम को आप समझिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहां जो ये ओ है इसका मतलब है सर्किट ब्रेकर को ओपन करना, सी ओ का मतलब है क्लोज करना, और ये सी ओ का मतलब है वापस से क्लोज करना। देखो जैसे ही आपके सिस्टम में फॉल्ट आया, रिले ने क्या किया? सेंस किया। रिले सेंस करके सिग्नल भेजा किसके पास में? सर्किट ब्रेकर के पास में। सर्किट ब्रेकर का क्या काम है? सर्किट ब्रेकर का काम यह है, रिले ने सिग्नल भेजा और तुम्हें डायरेक्ट उसको क्या कर देना है? ओपन कर देना है। सही बात है? नहीं है।
बिल्कुल सही है भाई। मास्टर आदमी कौन है? मास्टर आदमी है रिले। मास्टर आदमी कौन है? मास्टर आदमी है रिले। तो सर्किट ब्रेकर कोई सेंसिंग नहीं करेगा, कुछ दिमाग नहीं लगाता, उसको तो रिले ने जो बोला वो तुरंत उस काम को कर देगा। अब रिले ने सिग्नल भेजा कि भाई फॉल्ट आ गया है, तुम क्या करो? ऑपरेट करो। सिग्नल आ गया, ऑपरेट करना है। तो जैसे ही ऑपरेट करेगा उसने तुरंत हिंज को खींचा और उसको क्या कर दिया? ओपन कर दिया। तो हिंज को खींचने में और ओपन करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, हल्का सा, अप्रोक्सीमेटली 0.3 सेकंड। बहुत कम टाइम होता है, बहुत स्मॉल ड्यूरेशन होता है ये 0.3 सेकंड। क्या कर दिया? ये कौन सा टाइम है? डेड टाइम है। अब आप बोलोगे सर ये डेड टाइम का क्या मतलब है? भाई डेड टाइम का ये मतलब है रिले ने बोल दिया कि तू ओपन कर, लेकिन तुम ओपन कर रहे हो, लेकिन जब तक वो फुल्ली ओपन नहीं हो जाता जब तक तो करंट फ्लो हो रही है कि नहीं हो रही है? हो रही है। मतलब सिग्नल भी आ चुका है ओपन करने का, लेकिन तुम ओपन नहीं कर पाए हो इतने टाइम में, तुम्हें इतना टाइम लग रहा है उसे ओपन करने में, इतने टाइम के बाद में आपने उसको फुल्ली क्या कर दिया? ओपन कर दिया। तो इतने टाइम में ये डेड जोन क्या है? डेड टाइम का मतलब ये है कि भाई इतना टाइम तो उसे लग रहा है ऑपरेट करने में। क्लियर है? नहीं है? सर्किट ब्रेकर को खींचने में, उसे हटाने में इतना सा टाइम लग रहा है। मतलब इस टाइम में क्या हो रहा है? देखो इस डेड टाइम में क्या क्या हो रहा है। तो सर इस डेड टाइम में है आपके दो काम हो रहे हैं। कितने काम हो रहे हैं इसमें? दो काम हो रहे हैं। पहला काम तो यह हो रहा है कि आपका सिस्टम जो है रिले जो है वो सिग्नल यहां पे भेज चुका है, ओके, और आपका सर्किट ब्रेकर जो है इसे क्या कर रहा है? ब्रेक कर रहा है। सर्किट ब्रेकर इसे क्या कर रहा है? ब्रेक कर रहा है। मतलब दोनों कंटिन्यूसली चल रहे हैं। क्लियर है? नहीं है? ओके, तो ये टाइम हो गया। अब उसके बाद में क्या होगा? एक बार आपने ऑपरेट कर दिया, अब सर्किट ब्रेकर क्या बोलेगा? सर्किट ब्रेकर बोलेगा भाई आपका काम हो गया कि नहीं हो गया? हटा दिया ना, एक बार रिमूव कर दिया। तो अब आपका क्या काम है? आपका काम यह है कि आपके जो फॉल्ट वाली लाइन है वो अलग हो चुकी है। अब आप क्या करोगे? जाओगे फॉल्ट जहां पे आया है उसको ठीक करोगे, ठीक करके वापस से सिस्टम को क्या करोगे? चालू करोगे। तो सर्किट ब्रेकर पता है क्या करता है? सर्किट ब्रेकर आपको टाइम देता है। सर्किट ब्रेकर आपको क्या देगा? टाइम देगा। टाइम देके क्या बोलेगा? सबके पहले वो उसे इतने ओपन करने के बाद में उसको क्या करेगा? क्लोज करने की कोशिश करेगा, रिक्लोज सिस्टम। ओपन कर दिया, वापस से उसे करंट फ्लो करानी है तो वापस से उसे क्लोज करने की कोशिश करेगा। लेकिन क्लोज करने की कोशिश कब करेगा? वो तब करेगा जब रिले उससे बोलेगा कि बेटा क्लोज कर दे। तो वो क्लोज करने के लिए बोलेगा, अपने पापा से पूछेगा, दिमाग वाले इंसान से, किससे? रिले से, क्या मैं इसे क्लोज कर दू? हैं, ओपन तो मैंने कर दिया, क्या मैं अभी इसे वापस क्लोज कर दू? रिले बोलेगा नहीं, अभी पहले चेक कर लेते हैं क्या फॉल्ट क्लियर हो गया नहीं हुआ। यही बोलेगा रिले। क्या बोलेगा? अभी चेक कर लेते हैं कि फॉल्ट क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है। तो रिले बोलेगा, रिले बोलेगा बिल्कुल बोलेगा। तो वो बोलेगा कि बेटा रिलैक्स कर ले थोड़े टाइम के लिए, पहले क्या करते हैं फॉल्ट को पूरा क्लियर हो जाने दे, फॉल्ट क्लियर हो जाएगा उसके बाद में अपन फिर से ऑपरेट करने वाले हैं, ठीक है। तो वो क्या करेगा? ये इतना क्या करेगा? ऑपरेट करेगा। वो उतना क्या करेगा? बैठा रहेगा चुपचाप। वो क्या करेगा? वेट करेगा। किसके लिए वेट करेगा? रिले के ऑर्डर तक, आपके आपका जो फॉल्ट है उसके क्लियर होने तक। जब आपका हो, ये देखो ये है आपका रिक्लेम टाइम। मतलब वो पहले क्या करेगा? पहले बोलेगा कि क्या क्लोज कर दूं? रिले ने बोला नहीं, रुक जा फॉल्ट क्लियर होने दे। तो वो चुपचाप बैठ जाएगा, दो तीन मिनट तक बैठा रहेगा, फिर वापस से पूछेगा कि क्या क्लोज कर दूं? क्लियर है नहीं है? फिर जब तक अगर आपके सिस्टम में फॉल्ट क्लियर हो गया और अगर आपका सिस्टम में रिले ने बोल दिया कि हाँ क्लोज कर दे, तो वो उसे क्या कर देगा? क्लोज कर देगा। उसे क्या कर देगा? क्लोज कर देगा। लेकिन अगर आपके सिस्टम में अभी तक आपका फॉल्ट क्लियर नहीं हुआ है तो क्या वो क्लोज करेगा? क्या नहीं करेगा। तो इस स्टार्ट ऑफ द नेक्स्ट साइकिल, तो वो क्या करेगा? फिर से यहां पे क्लोज पहुंचा, ये फिर से यहां वापस यहां पहुंच जाएगा, फिर इससे बोला क्या क्लोज कर दूं क्या? इसने बोला नहीं, तो फिर से ये तीन मिनट वेट करेगा, ओके। फिर इसने बोला वापस से क्या क्लोज कर दूं क्या? वो बोलेगा नहीं, तो फिर से तीन मिनट वेट करेगा। तो ये तीन 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 मिनट के अंतराल में वेट करता जाएगा, करता जाएगा, करता जाएगा। जब आप फॉल्ट को रिमूव कर दोगे तो आपका रिले देखेगा कि हाँ फॉल्ट क्लियर हो गया, फिर ये बोलेगा क्या क्लोज कर दूं क्या? तो रिले बोलेगा ठीक है कर दे, फॉल्ट क्या हो चुका है? क्लियर हो चुका है, ठीक है तू कर दे, बार बार पूछ रहा है तो ठीक है तू कर दे। तो वो क्या कर देगा? फिर सर्किट को क्लोज कर देगा और आपका फिर से पहले की तरह करंट कंटिन्यूसली तरीके से फ्लो होना शुरू हो जाएगी। समझ में आया? नहीं आया? तो इट्स नॉट टू फास्ट, इट्स नॉट टू स्लो। क्लियर है? नहीं है? तो पूछता भी रहेगा बीच बीच में। क्लियर है? देखो 0.3 सेकंड में ही इसने क्या कर दिया है? क्लियर कर दिया है। तुरंत जैसे ही आया 0.3 सेकंड में वो क्या कर दिया? उसने ओपन कर दिया। तो 0.3 सेकंड जो टाइम है ये ना बहुत स्लो है और ये ना बहुत ज्यादा फास्ट है, ओके। तो वो स्टडी करके आराम से उसे क्या कर रहा है? क्लियर करने की कोशिश कर रहा है। आगे चलते हैं, देखिए जरा ध्यान से, ओके।
तो इट्स देखो ओ ओपनिंग टाइम, ये जो अभी मैंने अभी अपन लोग डिस्कस कर रहे थे ये वही है ओपनिंग, फिर ये टाइम दिया था अपन ने कितना दिया था इट्स ओवर 0.3 सेकंड, फिर ये क्लोजिंग के लिए पूछा उसने, फिर वापस से इसने टाइम दिया कितना टाइम दिया 3 मिनट का, फिर इसने वापस से पूछा किसके लिए क्लोजिंग के लिए, अगर रिले ने यहां भी मना किया तो ये साइकिल कंटिन्यूसली तरीके से आगे चलती ही जाएगी। इस सीओ के बाद में फिर से टी डेस आ जाएगा, फिर से सीओ आ जाएगा, फिर से टी डेस आ जाएगा और ये कंटिन्यूसली तरीके से चलता ही जाएगा। क्लियर है नहीं है? ओके देख लो यहां पे ओ जो है इस ओ का क्या मतलब है, तो ओ का मतलब है इट्स ओपनिंग ऑपरेशन ऑफ द सर्किट ब्रेकर। क्लियर है? रिले ने सिग्नल भेजा कि ओपन कर दे, ओपन कर दिया। सीओ का मतलब है क्लोजिंग, है सर्किट ब्रेकर पूछता जाएगा क्या क्लोज कर दूं। क्लियर है? किसे पूछेगा? रिले से पूछेगा। देखो बेटा क्या है, टी डेस इज द टाइम बिटवीन टू ऑपरेशन विच इज नेसेसरी टू रिस्टोर द इनिशियल कंडीशन। क्लियर है या नहीं है? क्या होगा, टी डेस कौन सा टाइम था? टी डेस है वेट कर रहा है, इस टाइम में ये क्या कर रहा है, वेट कर रहा है। किसका वेट कर रहा है? ये वेट कर रहा है वापस से पुरानी वाली कंडीशन को अचीव करने के लिए, इनिशियल कंडीशन को अचीव करने के लिए, नॉर्मल कंडीशन को क्या करने के लिए, अचीव करने के लिए, या क्या कर रहे हो फॉल्ट को खत्म होने तक के लिए क्या कर रहा है, ये वेट कर रहा है। तो आगे देखिए इट्स इनिशियल कंडीशन, देखो टू प्रिवेंट हीटिंग ऑफ द कंडक्टिंग पार्ट्स ऑफ द सर्किट ब्रेकर। टी डेस इक्वल टू कितना होता है, 0.3 सेकंड। आप बोलोगे सर ये 0.3 सेकंड, ये जो टी है ये 0.3 सेकंड क्या है, तो मैंने क्या बोला था, क्या बोला था कि ये रिले है, ये सर्किट ब्रेकर है, यहां से इस तरीके से सर्किट ब्रेकर है, रिले ने बोल दिया इसको कि तू इसे वापस खींच ले और इसको क्या कर दे, रिमूव कर दे, लेकिन उसे वापस खींचने में टाइम तो लगेगा ना बेटा, बिल्कुल लगेगा। तो वो जो ये इसका ऑपरेट करने का जो टाइम होता है वो टाइम होता है आपका कितना, 0.3 सेकंड। इतने टाइम तक क्या हो रहा है, तो इतने टाइम तक इसमें जो करंट फ्लो हो रही है वो करंट इसमें कौन सी है, फॉल्ट करंट है। कौन सी करंट है, फॉल्ट करंट है, क्योंकि अभी तक ये पूरा रिमूव नहीं हुआ है। तो फॉल्ट करंट तो कैसी होती है, बहुत ज्यादा मैग्नीट्यूड होता है, बहुत हाई करंट होती है, तो इसकी वजह से तो इसमें क्या क्रिएट होगा, हीट का प्रोडक्शन होगा। किसका प्रोडक्शन होगा, हीट का प्रोडक्शन होगा, बिल्कुल क्लियर बात है, किसका प्रोडक्शन होगा, हीट का प्रोडक्शन होगा। ठीक है, तो टी डेस इज द 0.3 सेकंड फॉर द सर्किट ब्रेकर इंटेंड टू फॉर द फर्स्ट ऑटो रिक्लोजिंग ड्यूटी। वापस से ऑटो रिक्लोजिंग का मतलब होता है इसके बार बार, ये बार बार जो बोल रहा है ना क्लोज करने के लिए, ये बोल रहा है सीओ, फिर रुका, फिर बोला सीओ, फिर रुका, फिर बोला सीओ। क्लियर है? तो इसको बोलते हैं ऑटो रिक्लोजिंग। ओके, रेटेड शॉर्ट सर्किट टाइम करंट, ये जो चीज है इसको आपको थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। देखो रेटेड शॉर्ट सर्किट टाइम करंट ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि दिस इज द करंट लिमिट। देखो बेटा दो चीजें होती है, ओके, लिमिट ऑफ द करंट दैट कैन सेफली कैरीड बाय द सर्किट ब्रेकर ऑफ द स्पेसिफाइड टाइम पीरियड। अभी आप लोगों का एक टॉपिक नहीं आया है, वो टॉपिक आपके बाद में आएगा, वो आपका आएगा फॉल्ट एनालिसिस। कौन सा, फॉल्ट एनालिसिस। जब हम फॉल्ट एनालिसिस पढ़ेंगे तो वहां पे आपको दो तरह के फॉल्ट दिखेंगे, एक फॉल्ट दिखेगा आपको अनबैलेंस और एक फॉल्ट दिखेगा आपको बैलेंस। ओके, एक आपको दिखेगा अनबैलेंस, एक आपको दिखेगा बैलेंस। सर ये अनबैलेंस और बैलेंस का क्या मतलब है, तो ध्यान से समझना। देख मैंने अभी अभी आपको बताया था तीन फेज है इस तरीके से, तीनों में करंट कैसी होती है, बैलेंस होती है। ठीक है सर, अगर एक ट्रांसमिशन लाइन टूट के जमीन पे गिर गई तो ये दोनों तो आगे जाके लोड से कनेक्टेड है, ये जमीन पे गिर गई तो इसमें जाने वाली करंट, इसमें जाने वाली करंट और इसमें जाने वाली करंट्स में सिर्फ इसमें फॉल्ट आया है, ये दोनों अभी भी लोड से कनेक्टेड है, तो तीनों में जाने वाली करंट कैसी हो जाएगी, अलग अलग हो जाएगी, आपका सिस्टम कैसा हो जाएगा, अनबैलेंस हो जाएगा। बिल्कुल सही है। या फिर अगर आपके सिस्टम में यह हो जाता है, अगर आपके सिस्टम में क्या हो जाता है, अगर आपके सिस्टम का बिहेवियर कुछ ऐसा हो गया, सपोज दैट कि ये दोनों ट्रांसमिशन लाइन एक दूसरे से भिड़ गई, अपन नहीं करते, गांव में ट्रांसमिशन लाइन आती रहती है उसके ऊपर वायर फेंक देते हैं तो वो दो वायरों से टच हो जाता है, तो अब ये तो आगे लोड से कनेक्टेड है लेकिन इन दोनों में क्या हो गया है, ये दोनों एक दूसरे से टच हो गई है, इनके ऊपर क्या आ गया है, फॉल्ट आ गया है, तो ये कैसा हो गया, अनबैलेंस हो गया। क्या तीनों पे आया क्या, नहीं, लेकिन अगर फॉल्ट आपका तीनों पे आता इस तरीके से, तीनों ट्रांसमिशन लाइन टूट के जमीन पे गिर गई या तीनों ट्रांसमिशन लाइन क्या हो गई, शॉर्ट हो गई, तो आपके सिस्टम में फॉल्ट आ चुका है लेकिन जो फॉल्ट आया है वो कैसा है, कैसा है, वो अभी भी बैलेंस है। बैलेंस क्यों है, क्योंकि वो तीनों पे आया है, इस पे भी आया है, इस पे भी आया है, इस पे भी आया है, जो कंडीशन इसकी रहेगी वही इसकी रहेगी, वही
इसकी रहेगी। क्लियर है? नहीं है तो इस टाइप का जो फॉल्ट आता है, इस टाइप के फॉल्ट को हम क्या बोलते हैं? बैलेंस फॉल्ट बोलते हैं, या इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम शॉर्ट सर्किट फॉल्ट भी बोलते हैं। इसको हम क्या भी बोलते हैं? शॉर्ट सर्किट फॉल्ट भी बोला जाता है। तो बेटा जब आपके सिस्टम में शॉर्ट सर्किट फॉल्ट आता है या आपके सिस्टम में जब एक बैलेंस फॉल्ट आता है तो उस टाइम पे आपकी करंट अनबैलेंस नहीं होती है, बैलेंस ही होती है, लेकिन स्टिल करंट का वैल्यू जो होती है वो क्या हो जाती है? काफी ज्यादा हाई हो जाती है। क्लियर है? नहीं है तो अनबैलेंस नहीं है, करंट बैलेंस ही है, लेकिन है करंट कौन सी? फॉल्ट वाली है। फॉल्ट वाली क्यों है? क्योंकि करंट की वैल्यू एकदम से क्या हो चुकी है? बढ़ चुकी है। तो क्या जब तुम सर्किट ब्रेकर बनाओगे तो क्या तुम इस चीज का ध्यान नहीं रखोगे कि जब अगर आपके सिस्टम में ऐसा कोई फॉल्ट आ जाए, कोई बैलेंस फॉल्ट अगर आपके सिस्टम में आ जाए, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट अगर आपके सिस्टम में आ जाए, तो उस सर्किट ब्रेकर में वो कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो उस करंट को क्या कर सके? हैंडल कर सके। क्या कर सके? उसे हैंडल कर सके। उस करंट पे वो क्या कर सकता है? ऑपरेट कर सके। तो वो क्वालिटी, वो कैपेबिलिटी एक सर्किट ब्रेकर में होनी चाहिए। तो क्या उसको बनाते समय इस चीज पे ध्यान नहीं दिया जाएगा क्या? बिल्कुल दिया जाएगा। तो वही आपका क्या है? इट्स रोटेटेड शॉर्ट टाइम करंट। ये शॉर्ट टाइम करंट थोड़े टाइम के लिए, या इसको शॉर्ट सर्किट करंट भी आप बोल सकते हो। इट्स रेटेड शॉर्ट सर्किट करंट। क्लियर है या नहीं है? तो इन चीजों को ध्यान रखना है। ये शॉर्ट सर्किट करंट को ही आप क्या बोलते हो? बैलेंस करंट या बैलेंस फॉल्ट बोलते हैं। चलो मैं आगे। ओके, देखिए क्या बोल रहा है, जो मैंने बताया वही बोल रहा है कि दिस इज द करंट लिमिट। करंट लिमिट का क्या मतलब है? आपका जो सर्किट ब्रेकर होगा उस सर्किट ब्रेकर की क्या डिसाइड करेगा? रेटिंग डिसाइड करेगा। क्या डिसाइड करेगा? रेटिंग डिसाइड करेगा। अरे करंट लिमिट का क्या मतलब है? अरे भाई इस डिवाइस की इतनी लिमिट है, ये इतनी लिमिट तक क्या कर सकता है? ऑपरेट कर सकता है। तो वही तो रेटिंग होती है। जो मैक्सिमम लिमिट होती है वही तो क्या होती है? रेटिंग होती है। तो यह क्या डिसाइड करेगा? रेटिंग डिसाइड करेगा। आगे देखो, तो दिस इज द लिमिट। देखो, दिस इज द लिमिट ऑफ करंट दैट कैन बी सेफली कैरीड, दैट कैन बी सेफली कैरीड बाय द सर्किट ब्रेकर। जो सर्किट ब्रेकर के द्वारा सेफली क्या हो सकती है? कैरीड हो सकती है फॉर द स्पेसिफाइड टाइम पीरियड। और ये स्पेसिफाइड टाइम पीरियड कौन सा है? तो ये स्पेसिफाइड टाइम पीरियड वो टाइम पीरियड है जब आपका रिले सेंस करेगा, सेंस करके सिग्नल भेजेगा किसको? सर्किट ब्रेकर को। और सर्किट ब्रेकर उस पर क्या करेगा? ऑपरेट करेगा। तो इन सब में जो टाइम लगा वो टाइम आपका कौन सा है? ये टाइम आपका स्पेसिफाइड टाइम पीरियड है। क्या इतने टाइम पीरियड तक जब तक वो आपका सर्किट ब्रेकर सिस्टम को रिमूव नहीं कर देता उतने टाइम तक तो आपके सिस्टम में करंट का फ्लो होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो क्या उतनी करंट को हैंडल करने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। तो वही बोल रहा है आगे चलो कि द सर्किट ब्रेकर डू नॉट क्लियर द शॉर्ट सर्किट फॉल्ट एज सून एज क्लियर द अनबैलेंस फॉल्ट। तो यहां पे दो चीजें आ गई है, एक आ गई है अनबैलेंस फॉल्ट और एक आ गया आपका शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। तो शॉर्ट सर्किट फॉल्ट जो होता है ये कैसा होता है? तो सर ये आपका होता है बेटा बैलेंस। कैसा होता है? ये आपका बैलेंस फॉल्ट होता है। और अनबैलेंस फॉल्ट और बैलेंस फॉल्ट में क्या प्रॉब्लम है? तो देखो दोनों को समझो कि जब आपका सिस्टम क्या होता है, आपने एक वर्ड सुना होगा दैट इज कॉल्ड हार्मोनिक्स। क्या सुना होगा आप लोगों ने? हार्मोनिक्स। ओके सर, ये हार्मोनिक्स क्या होते हैं? तो बेटा जब आपका जो सिस्टम होता है, जब आपका सिस्टम बैलेंस नहीं रहता है और उसकी वेव फॉर्म जब प्योरली साइनोसोइडल नहीं होती है और उसमें साइनोसोइडल के अपेक्षा कोई भी अगर आपका क्या आ जाए, फ्लक्चुएशन आ जाए, मतलब अगर उसकी शेप एसी ना रहे, इस तरीके की शेप ना रहे और कुछ भी अलग शेप हो जाए, जैसे अनबैलेंस फॉल्ट में हमारे शेप कैसी होगी थी? इस तरह की होगी थी कि नहीं होगी थी? ऐसे अगर किसी भी तरह की शेप, ये अलग है, ये अलग है, तो ये प्योरली साइनोसोइडल है। लेकिन क्या ये प्योरली साइनोसोइडल है क्या? नहीं है। देखो यहां पे मैग्नीट्यूड ज्यादा है, यहां मैग्नीट्यूड कम है, तो ये प्योरली साइनोसोइडल नहीं है। तो जब आपके सिग्नल प्योरली साइनोसोइडल नहीं होता है तो उस पीरियड ऑफ टाइम पे आपके सिस्टम में क्या आ जाते हैं? हार्मोनिक्स आ जाते हैं। आपने नाम सुना होगा सेकंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, फोर्थ हार्मोनिक, फिफ्थ हार्मोनिक। सेकंड हार्मोनिक का मतलब क्या है? कि उसकी फ्रीक्वेंसी का डबल हो जाना। तीसरे हार्मोनिक का मतलब क्या है? कि फ्रीक्वेंसी का ट्रिपल हो जाना। चौथे का मतलब क्या है? कि उसकी फ्रीक्वेंसी का
चार गुना हो जाना। सही बात है नहीं है? तो आपके सिस्टम में क्या आ गए? हार्मोनिक्स और आ गए। ये हार्मोनिक्स डेंजरस होते हैं, ये हार्मोनिक्स जो होते हैं ये खतरनाक होते हैं, क्योंकि इनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो फ्रीक्वेंसी काफी ज्यादा क्या होती है बेटा, हाई होती है। तो इसकी वजह से इनको रिमूव करना कंपलसरी हो जाता है, बहुत फास्ट हो जाता है। तो हमारे सिस्टम में अनबैलेंस फॉल्ट जैसे ही आया हम तुरंत उसे रिमूव करने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। तो ये अनबैलेंस फॉल्ट को फटाफट से क्या करता है, क्लियर करता है। अनबैलेंस फॉल्ट को क्या करेगा, फटाफट क्लियर करेगा। क्लियर है या नहीं है? तो ये आपके चारों के चारों पॉइंट हो गए कि किस तरीके से आपका सर्किट ब्रेकर जो होता है उसकी जो रेटिंग होती है वो मेकिंग करंट के ऊपर, वो ब्रेकिंग करंट के ऊपर, वो उसके ऑपरेटिंग के सीक्वेंस के ऊपर, और वो आपके शॉर्ट सर्किट करंट के ऊपर किस तरीके से डिपेंडेंट होती है, किस तरीके से वो आपके सिस्टम जो होता है उसको क्या करती है, अफेक्ट करती है। क्लियर है या नहीं है? तो ये आपका रेटिंग जो होता है उसका आपका टॉपिक था। रेटिंग हम किस तरीके से देखते हैं वो हमने डिस्कस किया।